है और ये ऐसा दिखता है कॉलर वाला, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे थे और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया मैंने, कुछ ऐसी दिखती है। और ये सारी बाइक की दुकान है और ये और कंगूरू की दुकान आ गई है। वो अपनी वॉच का ब्रांड है, इसकी वीडियो में डालना भूल गया लेकिन रेट। और ये पूरी बाजार है और वैसे खिलौने तो वैसे ही, बाकी कुछ नई चीज़ आई है लेकिन इतने कैसे, लेकिन मैं टेस्ट किया बहुत मजे का, गाड़ी में जाके दिखाता हूँ कुनाफा कैसा है। तो जैसे आप देख सकते हैं बड़े दिन बाद व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बीच बाजार में खड़ा हूँ लाइफ की, ये दुबई की मेन बाजार है। तो यहाँ मैं कंदूरा लेने आया हूँ, देखता हूँ कंदूरा रीजनेबल प्राइस में मिलता है तो यहीं से लेते हैं, वरना अंदर हम जाएंगे और भी दुकान है। कंदूरा पसंद आया और ये ऐसा दिखता है कॉलर वाला, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे थे और बहुत अच्छी क्वालिटी का लिया मैंने। और यहाँ बीच में से लिया क्योंकि दूसरी दुकान में जगह नहीं मिली और उन लोगों ने मुनासिब प्राइस में दिया और बहुत ही अच्छे डिस्काउंट दिया हमें। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं बाजार में। यहाँ से मैंने लिए खुद कंदूरा सीते हैं और ये सारी क्वालिटी के कंदूरे इनके पास, ये जलाबिया हो गए, ये कॉलर वाले हो गए और ये इमाराती कंदूरे हो गए जो यूएई में पहने जाते हैं स्पेशली। और ये पूरी वेराइटी इनके पास, और ये कुतरा भी है और ये कुर्ता शलवार भी सीता है। अब हम जाते हैं और देखते हैं बाजार में क्या क्या और चीज़ें। अभी हम मेन बाजार में एंटर हो चुके हैं और ये कुछ ऐसी दिखती है। और ये सारी अबाया की दुकान है और ये और कंदूरों की दुकान आ गई है, लेकिन हमने पहले से कंदूरा ले लिया तो हमें और ज़रूरत नहीं है। अभी एक ही काफ़ी होता है एक साल के लिए और मैं साल में एक बार ही कंदूरा लेता हूँ। अब मुझे एक और चीज़ लेनी है, वो अपनी वॉच का बैंड है, इसकी वीडियो में डालना भूल गया लेकिन रेडी है तो इसका बैंड चेंज कराता आज। और मेरे मिशन सक्सेसफुल हो गया हमारा और मुझे बैंड मिल गया फाइनली बहुत ही अच्छी प्राइस में, ओनली 10 दिरहम का मिला। बाकी दुकानों में जाता हूँ 30-35 के रहते हैं लेकिन यहाँ मुझे 10 दिरहम का मिल गया। यही फ़ायदा है बाज़ार में आने का, आपको रीज़नेबल प्राइसेस मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, और बिल्कुल ओरिजिनल वाली वाइब दे रहा है। जो ओरिजिनल बैंड है ना वैसे ही है ये बैंड लगा है ना, वॉच बड़ी हल्की लगी और बहुत ही कम्फर्टेबल दे रही है, क्योंकि जो पुराना रबर वाला बैंड लगा हुआ था ना वो काफ़ी भारी फील करा रहा था वॉच को, ये भी एक प्लस पॉइंट हो गया। और ये पूरी बाज़ार है, इन खिलौनों को मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं बचपन में था इन चीज़ों के लिए ज़िद करता था, लेकिन अब जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ तो ये पूरा शौक़ ही ख़त्म हो गया इन चीज़ों का। जैसे ये आजकल देखिए, आजकल की ये चीज़ आ गई बच्चों की, बड़ी मज़े की हैं, सेटिस्फाइंग चीज़ें। और वैसे खिलौने तो वैसे ही हैं, बाकी कुछ नई चीज़ें आई हैं लेकिन फिर भी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। तो अभी काफ़ी भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि थोड़ा हल्का फुल्का शॉर्मा वगैरह खा लें और फतायर। तो अभी हम ऑर्डर करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा ऑर्डर में क्या आता है। ऑर्डर करना भूल गया लेकिन मैंने फिराज स्वीट से कुनाफा लिया था और ये देखते हैं कैसा, लेकिन मैंने टेस्ट किया बहुत मज़े का, गाड़ी में जाके दिखाता हूँ कुनाफा कैसा है। तो आ जाए फतायर, अब इसको देखते हैं कैसा है। और ये लबना वाला होगा ये चीज़ फतायर, ये बहुत ही मज़े का होता है, ये पतली रोटी का होता है, ये तंदूर में बनता है जैसे हम अपनी रोटी बनाते हैं ना वैसे ही फतायर है। और ये हमारा शॉर्मा, इनको सब ट्राई करके मैं दिखाता हूँ आपको। करने वाला बहुत ही मज़े का दिख रहा है और आज इसका पहला बाइट लेते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत ही मज़े का, बहुत इसका यूनिक टेस्ट है, चीज़ से हटकर रोटी जैसे लेकिन बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। इसके बाद हम शॉर्मा ट्राई करते हैं। तब हम शॉर्मा ट्राई करने वाले हैं, इसकी बड़ी तारीफ सुनी तो आगे इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं चिकन वाला और ये नॉर्मल है लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट है, जो गार्लिक सॉस है ना बहुत ही मज़ा दे रहा है। ये इनका मेन्यू जैसा आप देख सकते हैं, मिक्स ग्रिल्स हैं इनके पास, शॉर्मा की तो वैरायटीज भरी हुई हैं, ये ओवन पिज़्ज़ा है, फ्राइज हैं। और मेन चीज़ पे आते हैं जो इनके फतायर हैं, कितनी वैरायटी के फतायर हैं और पिज़्ज़ास कितने सारे पिज़्ज़ास हैं, मनाकिश फतायर और ये मिक्स प्लेटर्स भी हो गए। जैसा आप देख सकते हैं ये कुनाफा और कितना मज़े का लग रहा है, और इस पर ये पिस्ता भी डाला और बहुत ही मज़े का लग रहा है, इसको टेस्ट करके ही पता चलेगा ये कितना मज़े का असली में। इसको टेस्ट करते हैं थोड़ा। जैसा आप ये देख सकते हैं हमारे कुनाफे का बाइट आ गया, अंदर से ऐसे दिखते तो आ जाए।
का लेवल ही अलग है। जो फिराज का खुनाफा है ना, दुनिया में कहते हैं कि बेस्ट खुनाफा मैंने फिराज का आता है, और बहुत ही मजा है पिस्ता के साथ करना। भूल गया, इसके साथ शीरा भी आया था, स्वीट सिरप जो हम इसमें डालते हैं खुनाफा में और मीठा करने के लिए और मज़ा देने के लिए, और ये भी बड़ा मज़े का होता है। तो अभी दूसरा दिन है और मैं अपने YouTube पे काम कर रहा था, और मैंने नोटिस किया कि मेरे बस कुछ ही चंद सब्सक्राइबर्स रह गए हैं, जिनमें 2000 होने वाले हैं और बस 4 ही चाहिए। अगर आज के ब्लॉग में 2000 हो जाए तो क्या ही बात है, फिर अगली वीडियो 2000 स्पेशल सब्सक्राइबर्स की होगी और बहुत मज़ा आने वाला उसमें। तो अभी हम मॉल आए एक इम्पॉर्टेंट काम से, जो बहुत ही ज़रूरी है कि वीडियो के मोबाइल के मेमोरी कार्ड लेने हैं, इसलिए क्योंकि स्टोरेज फुल हो गई है और मैं ब्लॉग्स इसलिए बना नहीं पा रहा सही से। तो अभी एक दुकान पे प्राइस पूछी है, लेकिन थोड़ी कॉस्टली है, आगे एक और जगह जाके देखते हैं क्या प्राइस है, अगर थोड़ी रीज़नेबल मिली तो ले लूँगा वहाँ से। अभी मैं दूसरी जगह प्राइस पूछी और थोड़ी कम बता रहा है, लेकिन अभी मैं मेन कैरफोर में यहाँ देखता हूँ कितनी और कम में हमें मिलती है। अगर मुझे उसी दुकान, अगर इधर थोड़ी ज़्यादा हुई तो मैं उसी दुकान से ले लूँगा, क्योंकि मेमोरी कार्ड अभी अर्जेंट है। तो आ जाए देखते क्या करते हैं। तो ये सारी मेमोरी कार्ड की वैरायटी आ गई है, अब मुझे इनमें से चूज़ करने के कौन सा लेना है। ये एक 256 GB का है माइक्रो, इसकी ये प्राइस से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है प्राइस पे, और ये DSLR वगैरह के लगे इसकी भी स्पीड काफ़ी होती है। अब आगे देखते कि मेरे मोबाइल में कौन सा फिट होगा जो मैं ले सकूँ। मैं शायद ये वाला लूँ क्योंकि इसकी स्पीड भी अच्छी हो, लेकिन अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा वाला मैं लूँ। सो देखते हैं अभी क्या करता हूँ मैं। अभी मैं एक और सिचुएशन में फंस गया हूँ, क्योंकि ये जो माइक्रो है ना, ये इसका लेग स्टार जो भी है इसका थोड़ा काफ़ी छोटा लग रहा है इसका, क्योंकि मेरे मोबाइल में सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कार्ड फिट होगा जहाँ तक मुझे पता चला है खोल के। तो अब मैं बहुत कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा लूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गया कि इनमें डिफरेंस निकालना। मुझे पता ही नहीं चल रहा कोई कौन सा लूँ। आई होप कि ये आ जाए सैंडिस का, क्योंकि पहले मैंने इस ब्रांड का नाम नहीं सुना लेग्जार का। सो आई होप कि सैंडिस वर्क्स, और आई थिंक के 256 इतना ज़रूरी तो नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर बैकअप प्लान के लिए आई थिंक दिस विल वर्क। प्राइस तो मुझे बड़ी अच्छी मिल रही है इधर, लेकिन मैं डिसाइड कि जब तक मुझे पता नहीं होगा कि ये मेरे फ़ोन में फिट आ रहा है या नहीं, तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इसको एक बार मैंने खोल लिया तो मैं रिटर्न नहीं कर सकता, और फिर बड़ा मसला हो जाएगा कि मैं किधर इसको डालूँ। सब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। साहब देख सकते हैं कुछ इस तरह की मसाज चेयर में बैठा हूँ, और इस पर प्राइसेस भी लिखी हैं कि जैसे आप देख सकते होंगे। मैं सोच रहा कि मसाज कर लूँ 10-15 मिनट, लेकिन देखते हैं अभी नमाज का वक्त, तो नमाज के बाद शायद करूँगा। चेयर पे से उठ गया क्योंकि वो बार बार कहती प्लीज़ इंसर्ट मनी टू सिट। सो अभी हम नमाज पढ़ने जाएँ, नमाज के बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है। आज का व्लॉग मैं चाहता हूँ कुछ एक्साइटिंग सा हो, तो आई होप कि एक्साइटिंग सा ही हो। जा रहा था तो मैंने सोचा कि मॉल में क्रिस्पी क्रीम की तो थोड़ी सी छोटी सी एक मीठे की ट्रीट हो जाए मेरे लिए, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर जो है मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, और मैं चाहता हूँ कि ये अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, इसका एक स्पेशल व्लॉग बनाओ सबके लिए। और अभी हम क्रिस्पी क्रीम से डोनट्स लेते तो आ जाए। सो बहुत से ऑप्शन है डोनट्स के, लेकिन चूज़ करता हूँ यहाँ से कौन से ले, तो आ जाए देखते हैं। डोनट तो ले लिया मैंने, लेकिन बाहर आके व्यू चेक करें, क्या प्यारा सा व्यू है माशाल्लाह। ये डोनट्स लिए मैंने, ये हेज़लनट वाला हो गया, ये ग्लेज वाला हो गया, और ये लोटस बिस्कॉफ हो गया। इनको खाने के बाद मैं मिलता हूँ। तो हमारा ब्लॉग शुरू हुआ था खाने से और ख़त्म भी होगा खाने से। तो अभी हम आए पठान दरबार, तो इधर हम ट्राई करेंगे खाना। तो अभी हमने चुपन कबाब ऑर्डर किया, और शहरी फिश ऑर्डर किया, और चिकन हांडी। अब दिखाता हूँ कैसा आता है। तो ये चुपन कबाब होता है, जब ये आएगा तो दिखाऊंगा, दुम्बे की चर्बी से भरा हुआ, और दुम्बा तो मेरा फेवरेट। अब देखते हैं कैसा होगा। आप देख सकते हैं हमारे चुपन कबाब आ गए, चिकन हांडी आ गई, और ये दाल आ गई हमारी, और ये हमारी शहरी फिश आ गई। अब इन सबको ट्राई करते हैं, लेकिन चुपन कबाब की मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पेशलिटी कितना नरम है, हाथ में आके पिघल गया मेरे, और बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब इसको टेस्ट करते हैं, तो आ जाए ला।
सही मजा दे रहा है। और क्या क्या जूसीनेस है। ऑफ साहब देख सकते हैं क्या मच्छी को नींबू डाल रहे हैं अपना। नींबू से टेस्ट बढ़ता है हमारे मच्छी का। तो आ जाए रोटी का एक निवाला लेते हैं। रोटी का निवाला लेते हैं और ये मुझे सर वाला पार्ट बड़ा पसंद है। तो इधर से अभी हड्डी वाली मच्छी को थोड़ा बच के खाना होगा इसको। इसको देख के खाते क्योंकि कांटे बहुत है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल ही अच्छा मसाला लगा, जबरदस्त मसाला इसकी कांटे में खाता। मच्छी तो मज़े की होती लेकिन इसमें कांटे बहुत होते हैं तो उसको देखभाल के खाना होता है। और जो चुपन कबाब हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही मज़ा करा रहे हैं लेकिन इस मच्छी को देख के खाइएगा शहरी। और ये बहुत ही मज़े की है। तो पूरी मच्छी हमने ख़त्म कर दिया। अब ये ऐसी दिखती है और बहुत ख़तरनाक दिखती है और इसके कांटे भी बहुत ज़्यादा थे तो लेकिन कांटे थे लेकिन मज़े की थी वैसे। तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ इस ठंडे से मौसम और क्या ही बात करूँ। और आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। खाने से शुरू होता खाने भी ख़त्म होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा।